हेलो स्टूडेंट्स, मैं चैप्टर 10 में अब आपको औसत शक्ति के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो अब जितने भी परिपथ होते हैं इलेक्ट्रिकल, सबके अंदर शक्ति भी सबके अंदर होता है, यानी कि पावर का डिसिपेशन सब में होता है। तो ये अब पावर का डिसिपेशन किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, किस में अधिक होता है, किस में इसका मान न्यून होता है, ये हमें इसमें देखना है। तो प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति, एवरेज पावर इन एसी सर्किट। तो शक्ति इसमें निकाल लीजिए, जैसे हम जानते हैं कि शक्ति का मान जो होता है वो V इंटू I के बराबर होता है। तो यहाँ पर विभवांतर चाहिए और विद्युत धारा चाहिए इसके अंदर। तो मान लेते हैं प्रत्यावर्ती विभव V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी और प्रत्यावर्ती धारा I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यानी हमने यहाँ पर यह मान लिया कि V और I के अंदर फाई का कलांतर होता है, जहाँ फाई इक्वल टू V I में कलांतर। तो इसकी तात्क्षणिक औसत शक्ति क्षणिक शक्ति P इक्वल टू V इंटू आई, जैसा कि अपना फॉर्मूला होता है V के स्थान पर V नॉट साइन ओमेगा टी और इसके स्थान पर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये इक्वल टू V नॉट इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी और ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो उससे हम इसको ओपन कर देंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये पूरा फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, V नॉट इंटू आई नॉट, इस ब्रैकेट को खोल देंगे यहाँ पर, इस साइन का इसमें गुणा कर देंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अब यहाँ पर थोड़े हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो ये इक्वल टू, हम इसको दोनों टर्म्स को ओपन कर देंगे और ये है आपका V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस V नॉट I नॉट। अब जैसे यहाँ पर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी आ रहा है तो हम इसमें साइन टू थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसमें दो से गुणा कर देंगे, दो से भाग देंगे तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा इसमें। तो ये हो जाएगा साइन टू ओमेगा टी अपॉन टू इंटू साइन फाई। अब इसमें दो टर्म आ रही है पी एवरेज के अंदर, पी में दो टर्म आ रहे हैं, एक तो ये टर्म है इसका, दूसरा ये टर्म है इसके अंदर। तो अब हम क्या करेंगे कि ये तो तात्क्षणिक शक्ति का इसमें मान होगा, किसी भी टाइम टी पर इसकी कितनी औसत शक्ति भी होगी वो हम इसमें देख सकते हैं। भाई अब हम इसके एक पूर्ण चक्र के लिए देखेंगे औसत शक्ति का मान कितना होगा। जो इसमें औसत शक्ति यानी कि P एवरेज इक्वल टू V नॉट
आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, आपको एवरेज निकालना है तो इस पर के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इनटू कॉस पाई प्लस प्लस वी नॉट आई नॉट साइन टू ओमेगा टी अपॉन टू इंटू साइन फाई, इसके ऊपर हम एक बार लगा देंगे। तो ये तो इस बार से हम इसमें क्या करेंगे, इसमें एक चक्र के लिए या आधे चक्र के लिए जो भी जितने के लिए आपको इसमें ज्ञात करना है, तो क्योंकि औसत शक्ति पूर्ण चक्र के लिए ज्ञात की जाती है, एक पूर्ण चक्र के लिए। अब एक पूर्ण चक्र के लिए अगर अब इसमें देखें तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इसका जो एवरेज मान होता है वो है 1/2 और साइन 2 ओमेगा टी इसका एवरेज मान देखें तो ये होता है 0। इसलिए अतः पी एवरेज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट और इसके स्थान पर आपका 1/2 इंटू कॉस फाई प्लस हमने यहाँ पर निकाला था वी नॉट आई नॉट अपॉन टू इसका मान 0 इंटू साइन फाई, तो ये वाला टर्म इसका दूसरा 0 हो जाएगा। ये है वी नॉट आई नॉट अपॉन टू इंटू कॉस फाई प्लस 0, यानी कि ये जो कंपोनेंट होता है इस कंपोनेंट का प्रत्यावर्ती परपथ में औसत शक्ति व्यय में कोई योगदान नहीं होता, इसके कारण कोई भी शक्ति व्यय नहीं होती, तो इसको हम शक्तिहीन घटक कहते हैं। इसको तो भाई शक्तिहीन घटक कहलाता है। ये इक्वल टू इसको लिख दें वी नॉट अपॉन रूट टू इंटू आई नॉट अपॉन रूट टू इंटू कॉस फाई, ये इक्वल टू पी एवरेज। तो ये पी एवरेज इक्वल टू ये है आपका वी आर एम एस, ये है आपका आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, जहाँ वी आर एम एस इक्वल टू वी नोट अपॉन रूट टू एंड आई आर एम एस इक्वल टू आई नोट अपॉन रूट टू। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पी एवरेज है ये तो इसकी वास्तविक शक्ति होती है और ये इसकी आभासी शक्ति होती है, और ये जो इसमें फैक्टर आता है कॉस फाई इसको हम शक्ति गुणांक कहते हैं। तो भाई इसको हम लिख सकते हैं औसत शक्ति इक्वल टू आभासी शक्ति इनटू शक्ति गुणांक, ये इसका एक पूरा एक। अब इसमें औसत शक्ति क्या होगी, आवाज शक्ति क्या है, जहां आवासी शक्ति इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस शक्ति गुणांक, इक्वल टू कॉस फाई। तो कॉस फाई जो टर्म होता है उसे हम शक्ति गुणांक कहते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि परपथ में औसत शक्ति जो होती है वो आवासीय शक्ति और शक्ति गुणांक के गुणनफल के बराबर होती है। तो ये
अब इसमें जो कॉस फाई का जो मान होता है वो अलग अलग परिपथों के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। शक्ति औसत शक्ति के अंदर जो दूसरा जो टर्म होता है औसत शक्ति का दूसरा घटक इक्वल टू वी नॉट आई नॉट अपॉन टू इंटू साइन टू ओमेगा टी साइन फाइव। ये जो घटक होता है इसको हम शक्तिहीन घटक कहते हैं। इसे शक्तिहीन घटक कहते हैं। तो शक्तिहीन घटक जो होता है वो शक्तिहीन घटक इक्वल टू ये है आपका वी नॉट आई नॉट अपॉन टू इंटू साइन टू ओमेगा टी और इसको साइन फाइव और इसको लिख सकते हैं वी नॉट अपॉन रूट टू इंटू आई नॉट अपॉन रूट टू इंटू साइन टू ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। तो ये इक्वल टू वी आर एम एस और ये है आपका आई आर एम एस और ये है आपका साइन टू ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। तो ये शक्तिहीन घटक कहलाता है क्योंकि इसकी वजह से कोई परिपथ में शक्ति व्यय नहीं होता है। जो ये तो इस तरह से प्रत्यावर्ती परिपथ के अंदर अब यहां से शक्ति गुणांक की एक डेफिनेशन भी निकाली जा सकती है कि औसत शक्ति और आवासीय शक्ति। तो औसत शक्ति क्या है? यही वास्तविक शक्ति है इसकी जो है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वास्तविक शक्ति जो होती है वो आवासीय शक्ति और शक्ति गुणांक के गुणनफल के बराबर होती है। तो यहाँ से हम इसमें एक डेफिनेशन शक्ति गुणांक के लिए दे सकते हैं। शक्ति गुणांक इक्वल टू औसत शक्ति अपॉन आवासीय शक्ति। ये इक्वल टू पी एवरेज अपॉन वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ये इक्वल टू शक्ति गुणांक। अब इस शक्ति गुणांक का मान भिन्न भिन्न प्रपथों के लिए भिन्न भिन्न होता है, जो मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा कि शक्ति गुणांक होता क्या है और इसकी वैल्यू अलग अलग परिपथों के लिए कितनी कितनी होती है। जो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके नीडी फ्रेंड्स हैं उन सबको इसको शेयर करिएगा। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए जो कि 11th 12th साइंस के विद्यार्थी हों। थैंक यू।